कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट। सनातन गौ का नाज है पावन संगम की धरती। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज अपन प्रयागराज। हम तो के बहुत घुमाए, यहाँ पर बहुत घूमे वाली जगह बा। अरे चंद्रशेखर आजाद पार्क बा, इंदिरा भवन बा, हाँ अरे और गंगा जी भी ले चलो तो के। हे काका, वो भविष्य बतावे वाला बाबा वाली ना, उनके पास जाए के बा। हाँ बैठी, चला बैठा। बाबा प्रणाम। प्रणाम। बोलो बच्चा, तुम दोनों के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? बाबा, हमनी के अपना भविष्य के कहानी जाने खातिर आयल बानी सन बाबा। चले जाओ, मैं अब किसी के भविष्य की कहानी नहीं सुनाता। लेकिन बाबा, हम लोग बहुत दूर से उम्मीद लेकर आए हैं। परंतु मैं अब किसी को कहानी सुनाना बंद कर दिया हूं, विशेष तौर पर किसी प्रेमी जोड़े के भविष्य की कहानी सुनाना। हिम्मत नहीं होती अब किसी प्रेमी जोड़े के भविष्य में झांकने की। कुछ साल पहले एक प्रेमी जोड़े के भविष्य की कहानी ने मुझे ऐसा तोड़ा कि आज तक साहस नहीं कर पा रहा हूं फिर किसी को कहानी सुनाने की। जाओ तुम लोग। हमनी को तो चल जाइब सन बाबा, लेकिन ऐसा कौन घटना रहे जौन रउआ के कष्ट पहुंचा देलस? हाँ बाबा, हम लोगों को वही कहानी सुना दीजिए ना। बात बहुत समय पहले की है।
तब मैं सोनपुर में गंगा घाट पर शमशान वास कर रहा था। एक दिन गांव भ्रमण पर निकल पड़ा। वहीं कुछ बच्चों की टोली खेल रही थी। गोल गोल पानी कितना कितना पानी, गोल गोल पानी कितना कितना पानी। बाबा जी, बाबा बाबा, रवा कहानी सुना वाले बाबा आई ना, एको कहानी सुनाई ना। क्या कहानी सुनाने वाला बाबा? हाँ बच्चा, कहानी तो सुनाता हूँ लेकिन उसके पैसे लेता हूँ। बाना पैसा इली 5 रुपया। 5 रुपया? लेकिन मैं तो 10 रुपये में सुनाता हूँ कहानी। ओहो, लेकिन हमारे पास तो खाली 5 रुपये आई बा। कोई बात नहीं बच्चा, 10 रुपये लेकर आना, फिर कहानी सुनाऊंगा। बाबा बाबा, हमारे पास बाना 5 रुपया इली। बाबा रहुआ है, 10 रुपये में हम दोनों की एक ही कहानी सुना दी। हाँ बाबा। बहुत चतुर बच्चे हो तुम लोग, आओ आओ कहानी सुनाता हूँ, आओ पैसे दो। दोनों अपना अपना हाथ दो। किसके बच्चे ये? का भेल बाबा? हमनी के बच्चन से कुछ गलती हो गई का? गलती नहीं, अनर्थ। अनर्थ हो जाएगा अगर दोनों मिल गए तो। इन दोनों के ग्रह आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में मिलना उचित नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। इसी में इन दोनों बच्चों की भलाई है और भविष्य में होने वाले अनहोनी को टालने की संभावना है। वरना अगर प्रकृति ने अपनी चाल दिखा दी तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा आप का देख लेनी बाबा, ये दोनों के भाग्य में लिखल बा कि दोनों में बहुत प्रेम बा। दिख रहा है मुझे इन दोनों का आपस में प्रेम, और ये भी दिख रहा है कि इन दोनों का प्रेम ही आने वाले दिनों में एक भयंकर और रक्तरंजित घटना को अंजाम देने वाला है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो, अलग कर दो और यह स्थान बदल दो। चलो।
ई ओम कहाँ बा, कहीं दिखाई नहीं देत। देखी ना बाहर होई कहीं। जानवी, ए जानवी। गाना अमरूद, भूख लागल बा। ना देव, पहले वादा कर कि कब हमसे झगड़ा ना करबू। ठीक बा, ना करब। अब तो अमरूद दे दो। रुका, खा के देता नी। रुका रुका, हम तो झूठ खाएब का। फिर? द, हम मामा दाते काट के देता नी। इल। इल। अरे ये तो बहुत कम बा जानवी। सही वाला ले ला। अरे ओम बेटा, अरे बेटा तोरा कहाँ कहाँ ना खोजनी, तू यहाँ बैठल बाड़ा। चला घरे चला। चला तू चला जानवी। छोड़ा पापा, पापा छोड़ा ना पापा। जानवी के साथ बैठे को पापा छोड़ा। पापा हम के ओम के साथ रह के बा। छोड़ा पापा, पापा पापा छोड़ा ना पापा। पापा और इस तरह दोनों को जानवी दो दिशाओं में भेजने के बाद मुझे लगा मैंने भविष्य में होने वाले अनहोनी को डाल दिया और मेरी आंखों ने कुछ पल के लिए विश्राम क्या कर लिया। प्रकृति अपना खेल खेल गई। उन दोनों बच्चों को उनके मां बाप से दूर कर दिया और नियति ने उन्हें दो किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया। हम मठ के भविष्य के लेके काफी चिंतित बानी शंभुनाथ जी। काहे? काहे कि जौना तरह मठ में अंतर कला चल रहल बा। हाँ? वो मठ के भविष्य खातिर अच्छा नहीं खे। काहे कि मठ में कुछ ऐसन करीबी बाड़े जिन पर विश्वास नहीं खे कल जा सकेला। रउआ बिल्कुल सही कहता नी। चिंता के बात तबा हमहू यह चाहता नी कि सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी, गुरुजी, ये बालक अभी जीवित बा, जल्दी से एकर इलाज करावल जाए तो ठीक हो जाए। लेकिन ये बालक के बा और केकर बा? गुरुजी वो सब छोड़ी, ये बालक अभी हमनी के मिलल बा तो हमनी के बा। गुरुजी हो सकेला रउआ जौन भविष्य के बारे में सोच रहल बानी भगवान वही भविष्य के खातिर ये बालक के भेजले होके। गुरुजी, गुरुजी, रउआ ठीक कहता नहीं। देखी माता जी का भइल एकरा। का भइल? ई नदी के किनारे हमरा पड़ल मिलल हल, बेहोश भी आई। हे माता पार्वती, का गलती हो गई ली लड़की से, एकरा के इतना बड़ा सजा ना दी। पूज्य गुरुजी, चरण स्पर्श, आशा है आप स्वस्थ होंगे। ये मेरा दत्तक पुत्र है जो आज से आपके सानिध्य में रहेगा। हमारे मठ की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण इसे मैं आपके पास भेज रहा हूँ। जिस तरह मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसी तरह इसे भी प्राप्त हो। इसे शस्त्र और शास्त्र की विद्या के साथ साथ आधुनिक शिक्षा में भी निपुण बनाना है, क्योंकि भविष्य में जो कार्य इसे मैं सौंपने वाला हूँ उसमें इसे कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सादर धन्यवादक आपका अखंडानंद। इस तरह दोनों की शिक्षा दीक्षा उनके अपने अपने गुरुकुल में प्रारंभ हुआ। एक काशी विद्यापीठ के परमानंद जी के सानिध्य में तो दूसरी प्रयागराज के
महिला मठाधीश त्रिलोचना के मठ में। बाबा, तो क्या वो दोनों फिर मिले? मिलना तो था ही, लेकिन बाबा कैसे? वो दोनों लोग तो अलग हो गए रहे। प्रकृति का खेल, जहां गौरी थी वहां रुद्र को तो आना ही था। 12 साल बाद नियति ने फिर से उन्हें मिलाया, इसी प्रयागराज में, इसी गंगा घाट पर। हर बार के तरह अब की बार कोनो चूक ना होके के चाहिए। काल के शोभा यात्रा व खंडानंद के जीवन के अंतिम यात्रा होके के चाहिए। ऐसने होए पंडित जी। एकरा बारे में जाने चाहता रह तू लोग की के हा? ये गुरु जी के दत्तक पुत्र हा। अरे हमरा के तो पहले ही आभास हो गई रहे कि फिर से वही हमला गुरु जी पे होखे वाला बा। यही से हम काले रुद्र के खबर भिजवा देले रहनी इहा आवे खातिर। मन गंगा तन तृप्त तेजस रहा औ घर सा अविनाशी महाकाल सा नेत्र तीसरा हूँ काशी वाला सन्यासी। और के बा जे साधु संतन के भेष में शैतान बन के हमरे बाबा के मारल चाहता, अगर हिम्मत बा तो सामने आके वार कर सन। Yeah!
त्रिलोचना जी या हमनी के आपस में विचार करके आपसी मतभेद के समाप्त करे का प्रयास प्रणाम खिलाई पंडित जी और सबके मिठाई खिलाई कौने बात खातिर रौर जवान बेटा आ गई और दूसर कल हम मृत्यु से बच गई नी पंडित जी हम अपना माई के दिहल वचन से बंधल बानी ना तो रउआ बहुत अच्छे से जानता नी कि हम रउआ की जिंदगी की प्रार्थना करी ऐसन तो कबू ना हो सकेला। अरे त्रिलोचना जी अरे अब तक गुस्सा थूक दी पुरान बात के भूल जाई ये समय मठ के आपस में संबंध कैसे अच्छा हुई ए पर विचार करे के आवश्यकता बा का गुरु जी विद्याधर जी हमरा जीता जीता ये कबू ना हो सकेला काहे कि आज भी हमार आंख के सामने हमार माई के व्यवस्था हमार और हमार भाई के वो असहाय बचपन आसमान के बादल के तरह घूमेला चली छोड़ी मिठाई खाई प्रणाम बाप रे बड़ा गुस्सा में बाड़ी चलो चलल जाए आ कोना बात के भाषण देत रही छोड़ ना रुद्र काल तो तू अजय देवगन के फेल कर देला ले दनादन हमनी लोग के तो बुझात रहे फिल्म के कोनो सीन चलाता हाय देखो असली फिल्म के सीन तो हेजा लुकता ऐसा लगता कि रबीना टंडन अपना सहेलियन के साथ योगा करता रही वाह ये खेल तो हमनी के रोज देखे निशन छुप छुपा के छुप छुपा के ये कहे वो कहे कि गुरुजी देखिए ना तसीदा काल कोठरी में अच्छा तू कहा तो राउंड ट्रॉली घुमा के सामने का नजारा हम दिखा दी हाँ। कहे कि हमारा राधा भी वही जे बाड़ी ना अच्छा तो हाँ। सामने से दिखाओ ना अभी दिखाओ तनी बाप अरे तो सही में रवीना टंडन भैया लेकिन के भैया ये सामने वाले मठ के त्रिलोचना माता के बेटी गोरी है एक से एक कारनामा करेले भाई इकरा के हमने के कारनामा क्यों के नाम से कहे निसन ऐसन का करेले अब तो आइए गेल बड़ा ना खुद ही देख लिया गोरी ले ले पकड़ चला चला अच्छा गौरी चल 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 राधा ई नया लड़का कौन है तोरा के नहीं के बता इस सामने के मठ में नया मेहमान आयल बा
मेहमान? हाँ। अब देखा ई मेहमान के कैसे घायल करत है। इशारे तौबा तौबा नैना कचरा रे तौबा तौबा तेरी आंखों के इशारे तौबा तौबा तेरे इश्क में बन गया जोगी मैं बन जा तू मेरी जोगी नहीं रमन मोहिनी रमन मोहिनी मन मोह लिया भी सिल्वर मेरी पैंट भी सिल्वर मेरा चश्मा भी सिल्वर मेरा नाम भी सिल्वर है। बस 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 ये ला हवा मिठाई खा ले। हवा मिठाई? अरे वाह हवा मिठाई। नंबर 11 तो हर हवा मिठाई खा के तो लागत आ कि जैसे हम हवा में उड़ता नहीं। हवा में मत उड़ा पैसा ला 10 रुपया। पैसा? अरे पैसा मांग के तू सब गड़बड़ कर देलू। हे जान ये हमारे स्टेटस देख के बात करा पैसा चाहिए ला निकाल ला पैसा ना दे बना तोरा मालूम बना कि हमरा भी पैसा ना रहेला तो अब काहे पैसा मांगे लू। वैसे तू काम का करेला? काम काम के तो मत पूछा काम तो हम के नाम पे दे दे बाबा के नाम पे दे दे बाबा। अरे और एक दिन अर्जुन से कृष्ण ने जब ये कहा कि हे केशव मैं सोचता हूँ कि महाभारत टाल दूं तो इस पे अर्जुन को क्रोध आ गया और वे बोले कि अरे छलिया अगर तूने महाभारत टाल दी तो मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा कैसे बनूंगा और फिर क्रोध में आकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। माता जी मैंने बुक में रीड किया था सुदर्शन चक्र कृष्ण ने उठाया था। कहानी मैं जानती हूँ कि आप
और वैसे भी क्रोध में कौन सा व्यक्ति किसका हथियार उठाकर प्रहार कर दे ये कौन जानता है। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी। माता जी आप सही कहता जी, सुदर्शन चक्र अर्जुन के पास था। वही तो, अर्जुन ने अपना सुदर्शन चक्र उठाकर कहा कि हे केशव, अगर तुमने महाभारत टालने की तनिक भी चेष्टा की तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर क्या होना था, कृष्ण ने भी न आओ देखा न ताओ, और फिर अपने गांडियों पे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहा कि अर्जुन तू ये भूल मत कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। भाई देखा, किंतु माँ अर्जुन पांडुपुत्र वो सबसे बड़े धनुर्धर थे और गांडीव तो अब आप कहेंगे कि गांडीव तो अर्जुन का था। हाँ। तो एक बात बताइए कि आप एक भाषा की महाभारत पढ़िएगा तो एक ही ना कहानी जानिएगा, अब अलग अलग कहानी जानने के लिए अलग अलग भाषा की महाभारत पढ़नी पड़ती है। हाँ, हाँ, माता जी सही कह रही हैं। फिर क्या हुआ माता जी? तो फिर क्या हुआ, कृष्ण ने बिना विलम्ब किए अर्जुन के ऊपर अपने बाणों की वर्षा कर दी और फिर वे ये बाड़ों की वर्षा पूरे दो दिन तक चलती रही और अर्जुन अपने सर पे सुदर्शन चक्र लिए कृष्ण के इन बाड़ों की वर्षा से बचते रहे। अब जब तक बाड़ों की वर्षा चालू है हम थोड़ा विश्राम करते हैं, आप लोग जाके प्रयाग घूमिए। प्रणाम। हे मैडम, हे मैडम, इका होता तनिक अपना काथा में न सुधार कर, न तो एक दिन तहरा सामने कोनो जानकार भक्त मिल गए ना तो सारा माता जी बनल भुलवा दी। बेफिक्र रहा, जे जानकार भक्त होई वो हमरा लगे काहे आई कहानी सुने। हाँ। और अगर आ भी जाए तो उकरा के समझावल हमार काम बा। तो हार ना। चल गौरी, देर हो रहल बा, माता इंतजार करत हुई। वैसे तो तू हमेशा कोई ना कोई खेल खेलती आई है, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी प्रलय, तो कभी भूकंप, लेकिन इस बार जो तूने माध्यम चुना है अपने खेल खेलने के लिए वो गलत है। क्या दोष है ऐसे निर्दोष और नादान बच्चों का? तुझमें और मुझमें यही अलगाव है, यही मतभेद है मेरा। मैं तुझे तेरा ये खेल खेलने नहीं दूंगा। तो याद रख, तू भी अपना यत्न कर ले, मैं भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। रास्ता छोड़ा ना, तो माता जी से बोल दे ना तो तोहार अकल ठिकाने आ जाए। हट। बाम बाम, हमाओ देखा ताने की चिराई कबले बाज के पंजा से छटकर दिया। चल रहे। आ,
नहीं का, हमको भिखारी समझा है का जी? हा? अरे चार को मिल के आदमी 20 रुपए लेके आए हो हा? अरे हम बॉस हैं कि भिखारी? नंबर 11 बॉस। अब ही तो बॉस बड़ा, पर ऐसा चलल ना तो हनुमान हो जाइए आप, समझला? मतलब मतलब न रही शर्ट न रही पैंट, सीधा बीच में। ए बॉस मत मारी मत मारी, रुका तनी हम आइडिया भुला गए बनी, आइडिया ला बता। कथा सुनाना आता है आपको? कथा? अरे हम पंडित जी है काजी, कथा सुनाएंगे? कथा सुनाना तो आना ही चाहिए, नहीं तो दुकान बंद समझिए हम लोगों का। कह रहे उका है कि हमने के जब भीख मांगे जाता नहीं जाऊ घाट पे तो पता न कहां से को लेके आ जाले। अच्छा? सब पैसा हन्ने उन्ने कथा बता के सब पैसा उहे ले ले ले। एक सेकंड। हाँ। उसका नाम बताओ तो। गौरी नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी उठवाते हैं उसको। हाँ उठा लीजिए। गोड़ हाथ तुरवा ना दिया, भिखारी बना ना दिया तो नाम बदल देना। नंबर 11 गुरु। राम सीता के वनवास काल का आखिरी चरण चल रहा था, सीता हरण और रावण वध बस बचा था, बाकी लगभग लगभग रामायण समाप्त हो चुकी थी। एक दिन सीता माता और राम जी अपनी पंचवटी मेब के बाहर आपस में कुछ हंसी ठिठोली कर रहे थे। हे भगवान, हम जहाँ जाता नहीं वहाँ ही पहुँच जाली। तभी वहाँ पर रावण द्वारा भेजा गया हिरण सीता माता को ललचाते हुए निकला, और बस सीता माता के मुँह में पानी आ गया उस हिरण को देख कर। सीता माता को हिरण खाए चले जो उनका मुँह में पानी आ गया? नहीं नहीं, सीता माता के मुँह में पानी उसके मांस को देख के नहीं आया था, बल्कि उसकी चमचमाती हुई चमड़ी देख के आया था। रामायण में भुलाती। हाँ उहे हिरण रहे का सलमान भाई वाला? हाँ बिल्कुल सही, वही तो था बेचारा। जब देखो बार बार मारा जा रहा है, कोई ना कोई पाप ही किए होंगे। वो जब भी जन्म लेता है कोई ना कोई व्यक्ति आकर के उसका वध कर देता है और उसका जलपान कर लेता है। हाँ तुम्हें कहाँ थी? हिरण के देख के सीता जी के लालच आ गई। हाँ तो फिर सीता माता लक्ष्मण से कहती हैं, हे देवर दिखाओ अपने तेवर, और कहा कि जाओ इस हिरण का खाल लेकर आओ, ताकि मैं और तुम्हारे भैया कभी कभार इस पे आसन लगाकर पूजा पाठ कर लिया करेंगे। फिर क्या, लक्ष्मण जी निकल पड़े हिरण वध के लिए। लेकिन माता जी, हिरण के तो राम जी मर ले रहले। नहीं अब, अरे राम जी ने तो रावण का वध किया था। अब आप ही बताइए ना कि राम जी का जन्म रावण मारने के लिए होगा या हिरण और भालू मारने के लिए? सही कही छोटी। हाँ सही बात बा, सही बात। एकदम सही कहता नहीं मैडम जी, हमरे बाबूजी कहत रहले जब वो मछली मरिया बड़ा मछली मरिया पुठिया ना, तो हर जन्म भइल बा बड़ा मछली मारे खातिर। हाँ तब क्या, हम गलत क्यों कहेंगे बताइए भला। राम जी का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था और लक्ष्मण ने हिरण को मारा था, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कह ली। तो फिर लक्ष्मण ने जैसे ही हिरण का वध किया, वो गुस्से में आकर रावण मुझे बचाओ चिल्लाने की जगह राम मुझे बचाओ, राम मुझे बचाओ चिल्लाने लगा। और फिर क्या, ज्यों ही राम जी मदद के लिए निकले त्यों ही रावण आया और सीता को भगा के ले गया। फिर क्या भाई माते? फिर क्या, अरे अभी तो लेके भागे हैं, लंका अभी बहुत दूर है, उन्हें पहुँचने में 2-3-4 दिन तो लगेगा। आगे की कथा हम बाद में सुनाएंगे, तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मण जी की जय, अभी भाभी भैया की जय, आगे रामायण में हनुमान जी भी आएंगे तो उनकी भी जय, पूरे रामायण की जय। चलिए नमस्कार। हे माता जल्दी से जा, ताकि हमनियों के धंधा पानी चली 3-4 रुपया मिल जाए। पगला गई बड़ा का, हमार सारा चिल्लर काहे गिरा देला? मतलब एकदम क्रिए खाल ले बड़ू कि केहू के दिमाग में सही से रामायण महाभारत ना रह देबू,
दोसर की चिंता छोड़ा और आपन सोचा, ढेर हमरा पीछे पड़वा ना तो हमनी दोनों के मठ के बीच में जौन महाभारत चल रहल बा वो एक दिन तोहरा के ही कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दी और मजबूरन हमरा के तोहार वध करे के पड़ जाए। अगर तू साथ देबू ना तो चुटकी बजा के महाभारत जीत ले, काहे से कि हम दुश्मनी के पेड़ के जड़ से खत्म करे पे विश्वास रखिला, ना कि ओकरा के पानी से सींच के ओकरा के लंबा जीवन देहल पसंद करिला, बुझलो? अच्छा, इतना हिम्मत बा तोहरा में, तो आवा आज हमार मठ के छत पे। काहे चिलम पियबू का? का मतलब? हम तोहरा के पहले कस लगावत देख के ना घस खा गेल रही। ठीक बा, 7 बजे इंतजार करो। द माचिस द चिल्लम जलावे खातिर। अरे माचिस तो हम वही जे भूल गए नी है, जा जाके लेके आवा जल्दी। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे काकी तो नीचे ही बैठल हुई, माचिस कैसे लाए? हे भगवान, अब का हुई? अरे गौरी रुका, हम कुछ उपाय करत आने। ई का करी? पता ना, कहीं गई होगी। लावा लावा मसाला तो लावा, तब तक भर के रखी। जाना तारू, जब तक दू फूक ना मार ली तब तक नींद ना आवे। हमने की आदत बिगाड़ देले बाड़ू। तू तू तो बातें मत करा। हाँ तो हमने के बिगड़ ले बा। ओहो, तू सच में आ गई ला। तो तू का समझ लूं? अरे इतना भी वादा के कच्चा नहीं की। चला अब आइए गईल बाड़ा, तो लावा माचिस दो। माचिस? माचिस का हुई? ई चिलम कैसे जली? हाँ माचिस तो ई नीचे भूल गईल बाड़ी। जब जिगर में इतना आग बा तो माचिस लेके घूमे का जरूरत बा? अब जब चिल्लम जलाइए देले बाड़ा तो पहला कश भी तू ही फूकला। कैसन पर समझ रहे ओकर लग मस्ती वाला एजबा तो कैसन पर सोना हुआ मारा कस के तू कस कद धुआ धुआ जब मैं झूमे ना शरीर बुझा ना सना हुआ मारा कस के तू कस कद धुआ धुआ नाचता बाही के भाई नाचते आस्ते
दुई फूक में तो मूड बम बम करी हो सरे थना ना विस की आराम करी हो दुई फूक में तो मूड बम बम करी हो सरे थना ना विस की आराम करी हो ये पूरा बॉडी में ही भर दी ही जोस जोस अब हिला दे हम कई कोस कोस चिलम मारा दम लेके हाथ में चिलम मारा दम लेके हाथ में चिलम मारा दम भेल बाबा अरे बाबा का भेल महादेव बम बम चिलम के बुझरल आग के तरह ही तोरा दिल में सुलग रहल गौरी के पावे के चिंगारी कहीं बुझ के राख ना हो जाए यही से बार बार एकरा के हवा देत रहे नी लेकिन कब तक वही से हमार सलाह मान आई धुआं के जिंदगी से बाहर निकल आ ऊ कर जौन अखंड मठ के सिंहासन के पावे खातिर हम कर रहल बानी बम बम हमार चिंता छोड़ते हमरा जौन करे के बाऊ हम कर ले तू सोच के तोरा का करे के बा काहे के मठ के असली वारिस आ चुकल बा तो हमारा तहार भलाई यही में बा कि हमरा से हाथ मिला ला ताकत दुगना हो जाए बिल्ली के पंजा और शेर के पंजा में जमीन और आसमान के अंतर बा कहीं बिल्ली के पंजा शेर के पंजा के वजन उठा सकेला महादेव महादेव की जय चलिए आज की कथा यहीं समाप्त हुई अब जिसको जिसको दक्षिणा चढ़ाना है वो चढ़ाए और बाकी अपने आराध्यों का ध्यान करें। नंबर 11 चला आज से कथा हमारा बॉस किया हुई जियल हराम कर देले हो तू हमार जीवन भी हे उठाओ सा निकरा के भागो 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 अरे भागो चलो अरे पकड़ ले करा के Yeah.
चल भागी जैसे भाग भाग भाग। सही समय पे आके हमार जान बचावे खातिर धन्यवाद। अगर सच्ची में धन्यवाद देवे के बना तो हमरा मठ पे आके धन्यवाद दीह तब हम जान। लो आ गई नहीं हम तोहर मठ में, अब तो स्वीकार बा ना हमार धन्यवाद। स्वीकार बा, बाकी तनिका और करीबा के धन्यवाद दा, वरना ऐसा लागी कि पनो ना खैनी और उठो लाल हो गई। जितना करीब कहा उतना करीब आ जाई, बाकी तू अपना आपके कैसे संभर बा एक तोहरा ऊपर बा। नाना अविना हवन के सामग्री के जो लिस्ट देले बनी वो भी हम तले आ जाए चाहिए। देवरैया का करता रहे आ खत्म हो गए रहे उहे ले वे आयल रहनी आग मतलब हवन खातिर शुद्ध अग्नि चाहिए। ए गोपाल। हाँ भैया। हवन कुंड से आग दे दे, जल्दी ले आओ। ली भैया। हाँ हो गई, चल हम तो के मठ तक छोड़ देते नहीं। चल प्रेम लीला। तब काका भैल रहे अरे बताओ कौन राजकुमार का चर्चा होता जो इतना हंसी आवता। कौन और राजकुमार के चर्चा चलत होके, उसे तोहरा का मतलब। चलो चलो तो तले जब आसमान में उड़ लेना तो अपना आप के सतरंगी दुनिया का रानी ही समझ ले, लेकिन जब के ओकरा के पकड़ लेला ना तो ओकर सारा रंग उतर जाएला। ए ई का बदतमीजी बा। बदतमीजी जवान दिन हम कर देब ना तब पर्याप्त तो छोड़ दे, नरको में जाए से तोरा घिन लगी। तो हार नजर अगर हमरा पर बा तो समझ ला कि तोहरा पर भी केहू और की नजर बा। बम बम
इश्क के रंग लग जाए तब छूटना। ऐसन है प्रीत के धागा जे टूटना, जब इश्क के रंग लग जाए तब छूटना। इतना मैं तुझ में खो गई, वो तेरे प्यार में बावरी हो गई। तेरा नाम नाम रट सुबह शाम इस राग में तो भी संग दे सैया। मोहे प्रेम ते रंग में रंग दे सैया, मोहे प्रेम ते रंग में रंग दे सैया सैया। धुआं से करेजा जरावला से कुछ ना होई, बल्कि अपना करेजा पर सवार अपन दुश्मन के सामने से हटावे के पड़ी। मतलब ई कि हमार सिंहासन आ तोहार आ तोहरा जिद के बीच में बस एक ही गो दीवार बा रुद्र, लेकिन ई दीवार कमजोर बा, काहे कि नकली ईंट के नींव पर खड़ा बा। अगर हमनी के चाहल जाई तो मिल के ई दीवार के गिरा सकता नहीं जा। लेकिन अभी वो दीवार तारा आंगन में बा, जैया वो लंबा होके हमरा आंगन के मिट्टी छुए के कोशिश करी ओकरा के गिरा दे। बाम बाम। लेकिन तोहरा शायद ही पता नहीं है कि अब वो दीवार तोहरे आंगन के मिट्टी खोद रहल बा। अरे बोस, कब तक हमने की भीख मांगब? हमार लोग के भी आशीर्वाद दे दस, शादी करके घर बसाई जा। नंबर 11 देखा गोल्डन बाबा, यो ब्याह करी ए मालिक आगे लागे ये रहली, अब ये रहली चली। नंबर 11 बॉस। अरे बैठाओ यहाँ पर बैठाओ। अरे बहुत तारीफ सुने हम भाई, इनका कथा का बड़ा चर्चा सुने हैं, आज हम कथा सुनेंगे। अरे मालिक, अरे मत पूछी,
अरे सुनल सुनल जो भी ज्ञान बा ना उहो भुला जाई। अच्छा अच्छा, अरे बहुत उटपटांग कथा होला मालिक। एकरा कथा में कबो अर्जुन के हाथ में सुदर्शन चक्र रहेला तो कबो कृष्ण के हाथ में गांडीव और कबो राम जी के जगह लक्ष्मण के हिरन मारे के भेज देवेली। अरे कबो राधा के रुक्मणी बना देवेली। अरे इता अलगे रामायण महाभारत पढ़ ले बिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम करो, जीभ काटो, हाथ में कटोरा पकड़ाओ है? और ऐसा सुनसान जगह भेज दो कि एक एक रुपया के लिए तरस जाए। नंबर 11 बॉस। इसको पकड़ के गाड़ी में डालो। अरे मोरी भाई हो, ये भिखारी सब हमरा पीछे भूत की तरह पड़ गई बा। ठीक के ले बा, जैसन तार करम बानु वैसन फल भुगतबू। अरे संजोग मनाव कि हम मुझे से गुजरत रही और हमार नजर तोरा ऊपर पड़ गई। तोहार नजर हमरा पर ना पड़ल, उ हमार नजर तोहरा पर पड़ल और हम तोहरा के बतौनी कि हम ई गाड़ी में बनी। अब बिल्कुल सीता जी की तरह, जैसे उ राम जी के बतौले रही अपन एक एक गहना फेंक के। अच्छा, एकरा मतलब कि तू रामायण और महाभारत ठीक ठाक पढ़ले बड़ू, मतलब लोग के झूठे पूर्वक बनावत रहले। बिल्कुल सही पकड़ला। अच्छा ये सब छोड़ो। हाँ। रुद्र, हमरा के बहुत भूख लागल बा। भूख लागल बा, एजा तो कुछ ना मिली, लेकिन चिंता मत करा, हम कुछ जुगाड़ करते नहीं। तू एजे बैठा, आवा तनी हम जल्दी आई हो। ओके। कुछ मिलल? बहुत ढूंढला के बाद बस अमरूद मिला। ई तो हमार पसंदीदा बा। तू ना खाइबा? देबू तो काहे ना खाइब। लेकिन ई तो एक के गो बा, हम झूठ ना खाइले। अच्छा रुका, हम तोरा के मामा दाते काट के देता नी। मामा दाते?
मामा दाते मामा दाते तो हमार एगो बचपन के दोस्त जानवी बोलत रहे। जा जानवी? हाँ जानवी। और वो कहत रहे कि किताब में लिखल बा ना ई धरती नारंगी नियन गोल बा, लेकिन हमरा लागेला कि धरती अमरूदी नियन बा। अच्छा हाँ। और का? और ई चांद भी ना अमरूदी नियन बा। और है कि सूरज भी अमरूदी नियन बा। अच्छा जानवी, वाह, तूने तो अपने इरादे की रफ्तार बढ़ा ली है प्रकृति, लेकिन सफल नहीं होने दूंगा मैं। तूने अगर राट ठान लिया है तो हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की क्षमता रखता है यह गंगा योगी। तेरे हर रास्ते में पर्वत बनकर खड़ा मिलूंगा मैं। हार रहा हूं मैं। जानवी प्रणाम माताजी। का भाई? गौरी अखंडानंद के बेटा रुद्र के साथ घूमतिया। जानवी ओम जानवी। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। प्रेम के नशा तोहरा सर पर ऐसन चढ़ल बा कि तू सारा सीमा लांग के वो अखंडानंद के बेटे से प्यार कर बैठलू। जेकरा मटके एक एक इंसान से हमरा के नफरत और घृणा बा। लेकिन माँ, रुद्र और हम बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त वारा तक का भइल रुद्र,
हमेशा खातिर ओकरा से दूरी बना के रखा। बाबा रे वही भूल रहल बनी कि हमार असली नाम ओम है और ओकर नाम जानवी। ओम जानवी, ओम जानवी, ओम जानवी। वो 12 साल पुराना जिंदगी रहे, लेकिन लेकिन अब तोहरा के ई प्रेम से दूर होके के पड़ी। जौन वर्तमान बा उहे सत्य बा, और सत्य ई बा कि ओकरा से दूरी बना के रखे में ही सबके भलाई बा। गुरुजी समझ में ना आवता, ये हो सकेला कि दोनों के मिलान हो सके और ये दोनों मठ के बीच में जौन खाई बा वो भर जाए। शंभुनाथ जी, हमरा से वो बरसन पुरान मंजर फिर से ना देखल जाई। काहे कि सामाजिक दबाव के कारण हमरा से जो चूक भइल बा ओकर टीस आज भी हमरे मन में बा। चली वाह पंडित जी वाह, अच्छा शास पढ़ोले बानी अपना दत्तक पुत्र के। अपना सारा मर्यादा पार कर चुकल बा, हम अपने आप के शांत रखे के कोशिश कर रहल बानी। न तो वही तरह रउआ पुत्र के भी उहे जगह पर सामाजिक कटघरा में खड़ा कैले रहती जैसे रउआ हमार माई के खड़ा कैले रहनी। अवश्य कर सकत रहलू त्रिलोचना, अवश्य। लेकिन शायद तू ई सोच के ना कहले होकबू कि तोहार दत्तक पुत्री हमरा पुत्र के संगे ओही पंचायत में समस्त मर्यादा छोड़ के खड़ा रहल। देखा त्रिलोचना, एक दूसरा पर दोषारोपण कैला से बेहतर बा कि दूनन के समझा के अलग रखल जाए। अवश्य, उन दोनों को अलग करने में ही उन दोनों के साथ साथ इस प्रयागराज की भी भलाई है, वरना प्रकृति उन दोनों के मिलन को माध्यम बनाकर बहुत ही भयानक खेल इस बार कुंभ के मेले में खेलना चाहती है। रघुआ के बानी बाबा, मैं कौन हूं इससे अधिक, मेरी बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। शुद्धिकरण तो हो गेल हमनी के, अब चला फिर से अशुद्ध हो जाए जाओ।
पहचन रजाओ जनी काट जा। लव यू के नारा हज रहट जा, हज रहट जानू हो। धनिया धामिनिया बन के डहट जानू ईश्वर को महाभारत का खेल खेलना था तो उसने माध्यम द्रौपदी को बनाया था। अब प्रकृति को अपना एक खेल खेलना है तो वो माध्यम तुम दोनों के मिलन को बनाना चाहती है, लेकिन तुम दोनों इससे अनजान हो। बाबा रौरा गौरी पहचानत बाड़ू नहीं बाबा के? कैसे ना पहचानब, इनकी वजह से तो हमनी दोनों अलग भईनी, इनके तो सब हाथ रहे। ठीक पहचान लो, हमनी के माता पिता के मौत के कारण के साथे साथे उ सारा लोग के मौत के जिम्मेदार यह बानी जे वो दुर्घटना के शिकार भइल रहे। बच्चा, कुछ पल के लिए तुम्हारी बातें सत्य हो भी सकती हैं, लेकिन तुम दोनों इस सत्य से कैसे छुटकारा पाओगे कि उस दुर्घटना में सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही जीवित बचे? हमनी के ढकोसला में दोनों लोग नहीं जा पड़े वाला। हम तो बस ये जानत नहीं कि हमनी के माता पिता के मौत के जिम्मेदार रोवे बानी, और अब हमनी दोनों के भी अलग कल चाहता नहीं। हमनी के कोनो बात रोर ना मनब जा, रोवा जा सकता नहीं। एक न एक दिन तुम दोनों मेरी बात अवश्य मानोगे। फिर भी चेतावनी दे रहा हूं तुम दोनों को, हो सके तो एक दूसरे से दूरियां बना कर रखो, वरना प्रकृति तो अपना खेल खेल ही जाएगी। गौरी, रुद्र से मिलके आ रहल बाड़ू ना? नाता झूठ, तोहार आंख बता रहल बा कि तू झूठ बोलत आड़ू। तोहरा के मना कहले रही ना कि वो रुद्र और वो मठ से दूर रही है, पर फिर भी तू मिलके आ रहल बाड़ू। लेकिन माँ ऐसन का बा कि ई दोनों मठ में इतना नफरत बा? कारण, तू कारण जाने के चाहता डू ना? ता सुना, बात तब के रहे जब यहां कोनो महिला मट ना रहे, हम हमार माई और इंद्र
तीनों अखंडानंद के मठ में रहत रहनी। हमार माई के अखंडानंद से लगाव हो गईल। रउआ के ई महिला से का संबंध बा, आज आपके ई बात स्पष्ट करही पड़ी। मठ में ई महिला के और आपके बारे में लोगन के बीच में अलग अलग चर्चा चल रहा बा। हम ए विषय में कुछ बोलल नहीं की चाहत। लेकिन काहे? देखी लोग, जब गुरु जी के आई महिला के बीच में ऐसा कोनो बातें नहीं खे, तो फिर गुरु जी कौन बात के स्पष्टीकरण देस? ऐसे में ई महिला के अपमान हुई, ई कहने का समझत लोग? अरे ई महिला के मठ से बाहर कर दी विद्याधर जी। बाकी ऐसा तो नहीं खे महाराज कि पुरुष मठ में स्त्री के रहल निषेध बा। अरे ऐसे में कहू के निकाले के का जरूरत? शंभुनाथ जी, बाकी स्त्री में और ई महिला में काफी फर्क बा। ई अधिकार जोन बा ओमे महिला समाज के अध्यक्ष बाड़ी। हाँ पंडित जी अगर कोनो संबंध कहिए तो समाज कुछ सोची। देखिए, इस सब पे तर्क कैला से कोनो फायदा नहीं होके वाला। हाँ ई हो सकता कि हमनी के सुलोचना जी के ई मठ से जाए के आज्ञा दे सकता नीचे। और ए तरह अखंडानंद की चुप्पी से हमार माई के भावना जल के राख हो गई। माता जी तो मर गई पर आखिरी क्षण तक अखंडानंद के भूल न पैली। लेकिन हम उही समय ये फैसला कर ले दी कि हम एक अलग मठ के निर्माण करब और अखंडानंद के बराबरी में खड़ा होके दिखाई। महादेव, वाह, कहीं प्रेम के तीरंदाजी चल रहल बा आ कहीं शिकार धुआं में लिप्त बेखबर अपना शादी के सपना से जोड़ा। लेकिन मूर्ख के पते नहीं खे कि उठ रहल धुआं ओकरा मंडप के ना ओकरा चिता के बा। बम 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 का भइल विद्याधर? अरे बतावो तो सही, ज्यादा परेशान बाड़ा तो चिलम से कस मार ला। चिलम के आग में गजब के जादू होखेला, धुआं बन के अंदर तो जाला जरूर, लेकिन अपना सारा दुख के आग के लपट में जला के खाक करते वेला। जब केहू के करेजा में नफरत पत्थर बन के बैठ जाला नू, तो कौनो आग के लपट ओकरा के जला के खाक ना कर सकेला। देखा बम बम।
गौरी। का हो गई गौरी? ना ही तू छत पे आवता रहो और ना ही हमारे चिट्ठी के जवाब देता रहो। बोला का बात बा? हमरा नहीं खेमे लेके बात तोरा से। लेकिन का है? का पता, तू भी महन जी की तरह समाज के लिहाज से हमरा के अपन जिंदगी से निकाल दे बता। अरे तू का कहता रहो, हमके तक कुछ समझ में नहीं खियावत। सब समझ में आ जाए, जाके महन जी से पूछ लिया। हम तो बाबा से पूछबे करब और समझबे करब, लेकिन फिर भी तोरा विश्वास नहीं किया होत। तब प्रयाग के पवित्र धरती पर त्रिवेणी संगम घाट पे तोरा से वादा करतनी कि जियब भी तो तोरे साथे और मरब भी तो तोरे साथे। काका ऐसा का बात बा, ई दोनों मठ में इतना दूरी काहे बा? बेटा, गुरुजी तो हमके बतावे खातिर मना के लिए बढ़न, बाकी तोहरा से छुपावल भी उचित नहीं है। कबा कि जैसे इंसान इंसान के दुश्मन बा, वही तरह से मठ मठ के दुश्मन बा।
ला एक गोरी प्रेम पत्र। अब एकरा टक टक लगा के मत देखो, तेरे पास खाली आधे घंटे के टाइम बा। बम बम। राधा तू इतना देर कहाँ कर दिलू आ जावे में, बतावा। मंदिर की पूजा करत रहनी है। जैसे रुद्रा गौरी से सच्चा प्यार करता, वैसे हम अहू राधा तुझसे सच्चा प्यार करी ले। सच्ची राधा, हम तोरे बगैर जिंदा ना रह पाई। हम अहू अब तू रोज टाइम से मिले आ जाइया, ठीक बा। हाँ ठीक बा, हम तुहरा ये इंतजार करब। ठीक तोइबू ना। अरे चुप रहो। अरे गोपालवा कहाँ बा, नहीं लौकात हो यहाँ कहाँ, अपने राधा के पास। अरे हाँ भैया। अट बोल बे फालतू। हाँ यार आ? अरे मिल गया तो हमने के बारे में बोला गया। ये सब बाबा सुन ले। जब रुद्र यहाँ बा जब चुप तो उमा के करा के मार दिले हुए। ये दोनों चिताएं भविष्य में अनगिनत चिताओं के रूप में नजर आएंगी, और ये सब इन दोनों के कारण, और भविष्य में आगे भी होगा। अब भी समय है, अगर चाहो तो स्थिति सामान्य हो सकती है। अगर इन दोनों को अलग नहीं किया गया तो भविष्य में जितनी भी मौतें होंगी उन सबको शमशान तक पहुंचाने के लिए कंधे कम पड़ जाएंगे। पहले ही से कात रहेगी अलग करा अलग। जमीनें कम पड़ जाएंगी उन चिताओं को रखने के लिए, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी उन चिताओं के दाह संस्कार के लिए। ये त्रिवेणी रक्त से सन जाएगी, रोक लो। अभी भी समय है, रोक लो इसे। रुद्र हाँ ऐसा तो नहीं कि जौन बात बाबा बोल रहल बाड़े उस सच होके वाला बा। अरे तू फिर से उठूंगी बाबा के बात पे ध्यान देत पड़ू। ध्यान देवी वाला बात बा रुद्र, काहे कि अब तक उहे हो रहल बा। हाँ। जौन बाबा कह रहल बाड़े अगर सच में ऐसन हो गई ता हमरा बहुत डर लागता रुद्र, बहुत डर लागता। अरे ए गौरी चुप चुप हो जा। अरे जब तक हम साथे बानी तो डर को ना बात के, हाँ चिंता मत करा।
के चिलंबा का एकर मतलब इशारा कांड इंद्र कैले बा। चलब निकाल चिलम हमरा पास नहीं के तू ही ना रखेला अपना पास। देखा जब मैं बम बम हमरा लगे तो नहीं कह रहे हमरा लगे नहीं के देखा कहाँ बा दूसरा के माथा पर मौत के लकीर खींचे वाला कभी कभी ये भूल जाला कि वह लकीर ओकर मौत बन के ओकर घर के रास्ता ढूंढ लेवेला। त्रिलोचना पूछा अपन भाई इंद्र से वो ऐसा काहे कैलस आखिर का दुश्मनी रहे लोकर गोपाल से। बस पंडित जी बस रव्वा तो इंद्र पर ऐसा दोषारोपण कर रहल बानी जैसे रव्वे के मट के बच्चा मरल बा। ये मत भूली कि हमरे मटके भी एको बच्ची मरल बिया। इंद्र ही गोपाल और राधा के मरले पा एकर चिला मोजे मिलल रहे है चिला मोजे मिलल रहे एकर मतलब ही ना भल के हम ही दोनों का मरले बानी। देख झूठ ए रुद तो ए मोजे मिलल रहे। शांति रखो पीछे हट तू चिंता जन कर रुद्र हमनी के घटना के तह तक जल जाए। जी गुरुजी लेकिन जे भी दोषी पकड़ाई ओकरा के पूरा समाज के सामने ले आके उचित दंड दहल जाए यही मठ के फैसला हुई। नमस्कार सभी देशवासियों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में होने जा रहा है जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस बार महाकुंभ को और दिव्य कुंभ को देखने के लिए करोड़ों जनता प्रयागराज में आने वाली है। सरकार उनकी पूरी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं ये कोई राजनीति नहीं हो रही है ये हमारे आस्था और सेवा का विषय है। नमस्कार प्रणाम। वो यही से वो खड़ी होकर पक्ष से बोलता ला और हमारे पक्ष से ना बोलला। एक बात याद रखा अगर हमार पुल खुलल ना तो तू हो जीवक काम से। फिकर मत करा एकर नौबते ना आई कहे कि विद्याधर के दिमाग शकुनी के नीति पर काम करेला। अपनन के हाथे अपनन के मौत देखे के मजा ही कुछ और होला। खेले दो लोग के करे दो रासलीला। बम बम प्रेम मिलन
की बेला। प्रेम मिलन की बेला आयो रे पिया, प्रेम मिलन की बेला आयो रे पिया, अंग में भंग चढ़ायो रे, अंग में भंग चढ़ायो रे पिया, प्रेम मिलन की बेला आयो रे पिया, प्रेम मिलन की बेला। मैं गगरी अध जल से भरी, छूने से तेरे सावन से घर, मैं गगरी अध जल से भरी, छूने से तेरे सावन सिझरे, शुद्ध बुद्ध सब बिसरायो रे, शुद्ध बुद्ध सब बिसरायो रे पिया, प्रेम मिलन की बेला आयो रे पिया, प्रेम मिलन की बेला पिया। Dim dim ta na 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 na, dim dim ta na 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 na, dim ta na na dim, dim dim ta na 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 na। काहे ही जमाना प्यार के दुश्मन रहल बा हमेशा, काहे इतना नफरत की निगाह से देखेला लोग प्यार करे वालन के, काहे से कि समाज हर औरत में राम की सीता ढूंढेला। लेकिन पूजा तो राधा और कृष्ण की भी होला ना गौरी, ये जमाना अपने सहूलियत से पसंद और नापसंद बदलत रहेला। तो रुद्र और गौरी की का होई? रुद्र और गौरी के मिलन ता जन्म जन्म के बा, कभी शिव और सती बन के तो कभी शंकर और पार्वती बन के हमनी के मिलन ता तय बा, चाहे ये जन्म में या अगले जन्म में। हाँ लागत मठ में कोनो गैर आदमी के पांव पड़ल बा। तोरा कैसे मालूम चलल? चोर चाहे कितना भी चतुर हो जाए अपन चाल ना बदलेला। तू एज रुका, हम देखत नहीं। पहले जमीन पर पांव रख के सीख ले, एकरा बाद के उपवार करिए। या,
रुद्र छोड़ दा एकरा के। बोल तोरा के भेजलस हमरा के मारे खातिर। रुद्र तू? ना बाबा, बाबा हम महादेव महादेव राउर पुत्र ही राउर हत्या के प्रयास कर रहा बा। ना बाबा ऐसा कोनो बात नहीं के बाबा। गुरुजी इतना बड़ा अनर्थ होके से बच गए। जान राउर मुंह एकरा के पुत्र पुत्र कहत थकत ना रहे, यह राउर हत्या के प्रयास कर। ना बाबा हम गुरुजी अभी भी समय बा गुरुजी, ना तो बाबा जी के सब बात सच हो जाए। हम तो कहब कि आप भी दोनों जन के अलग करें। एकदम सही कहा था नी विद्याधर जी, एकदम सही कहा था नी। तू मुझे कैसे रोक सकता है गंगा योगी? तूने तो कहा था कि मेरी राह में हर मोड़ पर पर्वत की तरह खड़ा मिलेगा तू, मगर आज तू ऐसे चौराहे पे खड़ा है जिसके हर छोर पर किसी न किसी की मौत और तबाही लिखी है। एक तरफ वो दोनों बच्चे, दूसरी तरफ उन दोनों के पालन करता, तीसरी तरफ हजारों मौत के मंजर और चौथी तरफ स्वयं मैं हूँ प्रकृति। कालों के काल महाकाल का भक्त हूं मैं, देवों के देव स्वयं महादेव आराध्य हैं मेरे। तू चारों दिशाओं में तो क्या, दसों दिशाओं में आके खड़ी हो जा। हर परिस्थिति में तेरा सामना करेगा ये गंगा योगी। हरा हरा महादेव। हे नाथ खंड खंड में महिमा तोहार प्रचंड बा, हे लोक में ओह लोक तोहरा हाथ में ब्रह्मांड बा। असुरन के दल हतंत ते अब दुत विश्व मंदते, ललक तु पलक खोल के दिखा दहे त्रिदेव। जागा हो जागा हो जागा हो महादेव। त्रिशूल कर में धार के भस्मी भभूति मार के, डमरू की तू ललकार से वागंबरी सवार के। त्रिशूल कर में धार के भस्मी भभूति मार के, डमरू की तू ललकार से वागंबरी सवार के। जटा से घटा घेर के गंगा के जल बिखेर के, तांडव के नाथ नृत्य से मिटा दमन के भेव। जगह 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 महादेव। Oh,
भुवन की चौकड़ी रुष्टावा तुष्ट छन छन धुइया रमनते हर गड़ी अब धूत गण्य अघड़ी चौदह भुवन की चौकड़ी रुष्टावा तुष्ट छन छन धुइया रमनते हर घड़ी गणराज तू बैताल के एक रूप महाकाल के विकराल रूप धार के हो जा प्रकट है जय जगह 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 महादेव माँ माँ जाए दी ना हमरा के हमरा रुद्र के पास जाए के बा माँ 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 रुद्र 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 के पास जाके बर तोरा तोरा के पाव खाती हम का ना कहनी लेकिन तोरा पता नहीं रुद्र में का लोकत जो हमरा में नहीं खेलोकत आखिर आखिर का कमी बर हमरा में आए या बम्बा तुम्हार सपना सपना रह जाई तोरा कैला से रे हमार सपना तोड़ दे रे तोर पास अब ना कैसे रे बम 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 बाबा बाबा रुक जाई हमर बात समझी हम निर्दोष बानी अरे हम रउआ ऊपर हमला कैसे करा सकता नहीं हमर बात मानी राउर जान मारे के षड्यंत्र हो रहल बा एकरा पहले भी रउआ ऊपर हमला हो चुकल बा और इस सारा हमला विद्याधर करौले बा और एकर पोल ना खुल जाओ ऐसे सारा दोष हमरा ऊपर डाल देहलस महादेव महादेव रुद्री कहा अनर्थ बोल रहल बड़ा तू गुरुजी ई रुद्र उ लड़की के प्यार में पागल हो गई बा एकरा बात पर ध्यान देवे के आवश्यकता नहीं है और वैसे ही बाबा जी कह देले बड़न कि शाही स्नान तक एकरा के उ लड़की से दूर रखल आवश्यक बा न तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाई नाटक मत कर विद्याधर नाटक मत कर तू बाबा के मूर्ख बना सकता रे लेकिन हमरा के ना रुद्र महादेव महादेव ई तारा भ्रम हो गई बा सुन अगर हमरे बाबा के कुछ भी भइल ना त तोरा के जान से मार देब रे रुद्र तोहार मति भ्रष्ट हो गइल बा बाबा 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 हमर बात समझी बाबा 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 केकरा के समझावे के प्रयत्न कर रहल बड़ा रुद्र मूर्ख अखंडानंद के जकरा के हम बरसों से मूर्ख बनावत आ रहल बानी आज तक ई मठ में जितना भी अप्रिय घटना भइल बानु उस सबके सूत्रधार हम बानी चाहे वो त्रिलोचना के माता के मठ से निकाले के सारा दोष तहार पिता मूर्ख अखंडानंद के माथा पर मरे के बात होके
चाहे वो दूर मूर्ख खंडानंद के बार बार मारे के प्रयास, सब हमार देना। लेकिन असली कांड तो काल सुबह है, शंखनाद के समय हुई, जब काल सुबह के शाही स्नान तोर पिता मूर्ख खंडानंद अपने ही रक्त में डूब के करी। विद्याधर, कुछ ना कर पाई बेटे, कुछ ना। महादेव महादेव। गौरी, ए गौरी, 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 रुद्र, हाँ मागिनी, चुप, चुप हो जा, गौरी चुप, डमरू वाले बाबा की जय, डमरू वाले बाबा की जय, डमरू वाले बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ तुम दोनों को, रुक जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा, हमने दोनों के रास्ता से आज रुआ हट जाएं, ना तो सच में अनर्थ हो जाएं। विद्याधर और इंद्र मिलके बाबा और त्रिलोचना जी के मारे का प्लान बना ले। उन दोनों को तो मैं यहीं से भस्म कर सकता हूँ। मुझे चिंता उन दोनों की नहीं है, बल्कि मुझे चिंता है उस भयानक मंजर का, जो आज से 12 साल पहले मैंने तुम्हारे इन नन्हे हाथों में देखा था। वो क्षण आने ही वाला है। देखो, देखो प्रकृति को, देखो प्रकृति के उस अट्ठास को। अरे बाबा रुआ, का सुनावत नहीं, का दिखावत नहीं, हमके कुछ समझ में नहीं आवत, ना हमके सुनाई देता और ना दिखाई देता। बाबा, आपसे हमर विनती बा कि हमने दोनों के शांति से जिए दी। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति देता हूं, जिसकी मदद से तुम उस मंजर को अपनी आंखों से देख पाओगे। अखंडानंद बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की। महाराज बोलता है जम्मू आदि बाबा की जय, अखंडानंद बाबा की जय। एकर जीवन के आखिरी पूजा कर ले बेटा, ओकरा बाद अगला कदम। अखंडानंद बाबा की।
अरे कहाँ भागत बड़ा? अरे अरे सुनता, अरे कहाँ जाता ना? अरे रुका रुद्र। महादेव बाबा खोली बाबा 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 देखा। बताओ बच्चा, जिन साधु संतों ने तुम्हें जीवन दिया, शिक्षा दीक्षा दी, क्या उनकी मौत का कलंक तुम दोनों अपने ऊपर ले सकोगे? बच्चा, मैं तुम दोनों के मिलन के विरोध में नहीं हूं, बल्कि मैं उस भयानक मंजर से डरता हूं जो तुम दोनों के मिलन के बाद होगा। मेरी बात मानो बच्चा, एक दूसरे से अलग हो जाओ। बचा लो इस धरती पे होने वाले इस कलंक से। ठीक बाबा, हमने अपन दोनों रास्ता बदल लेता नहीं, ना जाए वो तरफ जो तरफ हमने गेले से इतना बड़ दुर्घटना होके वाला बा। यह देश साधु संतन के बा और हम ऐसा रही, ये लोग के खातिर हमने जस हजारों प्यार कुर्बान बा। आज के बाद हमने दोनों कभी ना मिला, ये आपसे वचन देता नहीं। चला तानी बाबा, हमने दोनों के अपन आशीर्वाद दी। ताकि अगला जन्म में हमने के मिलन हो सके। तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरे इस प्रयास को सफल किया। ये क्षण सदैव तुम्हारा ऋणी नहीं रहेगा। देख देख, तू हार गई और मैं जीत गया। जो तो खेल खेलना चाहती थी वो खेल मैंने खेलने नहीं दिया, अलग कर दिया दोनों को एक दूसरे से। देख वो दोनों, आ
अच्छा किया तूने प्रकृति, इन बच्चों को पुनः जन्म देके उम्र लंबी कर दी है तूने मेरी। और आज पहली बार अपनी जीत पे रोया है ये गंगा योगी, लेकिन ये मेरा वादा है तुझसे, अगली बार आऊंगा और तुझे हरा के जाऊंगा। कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम।